बंशीधर नगर से चिरमुन की रिपोर्ट। अम्बालाल बालिका उच्च विद्यालय में लगातार सातवें दिन अभ्यास सत्र चला। अभ्यास सत्र में राज्य प्रभारी सोशल मीडिया संतोष पांडे, सह राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान श्री रास बिहारी तिवारी उपस्थित थे। बतौर अतिथि श्री तिवारी ने कहा, योग की प्रासंगिकता अब राष्ट्र को बचाने तक की बाट जोहने लगी। आज युवाओं का आवेश अपनी ही संपत्ति और संस्कृति का बलि ले रहे हैं। श्री तिवारी ने 21 जून को ऐतिहासिक बनाने की अपील चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों पतंजलि के योद्धाओं से की। वहीं सोशल मीडिया राज्य प्रभारी ने युवा भाइयों से राष्ट्र की रक्षा और मानवीय संवेदना को स्थापित करने हेतु भी सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्र हित में करने का निवेदन किया। कहा कि योग सिर्फ अब योग नहीं रहा, सात्विकता पूर्ण रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है। पतंजलि का अहर्निश अभियान देन है कि पूरे विश्व एक साथ इस मंच पर विराजमान है। वहीं शैलेश कुमार शुक्ल जिला संगठन मंत्री द्वारा प्रोटोकॉल में शामिल योग और प्राणायाम का विधिवत प्रशिक्षण दे रहे थे। शिविर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा बैठने और ध्वनि विस्तारक यंत्र की विधिवत व्यवस्था की गई है। शिविर में नेहरू युवा केंद्र के पीयूष चौबे ने योग शिविर को सफल बनाने की सहयोग हर संभव वचन दिया। पीयूष ने अपने युवाओं से कल होने वाले महोत्सव में भाग लेने की भी अपील की। नाड़ी शोधन, कपाल भाती, उज्जयी, भ्रामरी सहित सभी योग अभ्यास की विधिवत जानकारी दी गई। शिविर में शिवशंकर प्रसाद, अरुण बिहारी, राम प्रसाद, अजय कुमार, प्रमोद कुमार, सुजीत लाल, विनय कुमार, सत्येंद्र कुमार, अनिल कमलापुरी, शंभुनाथ सौदागर, रामचंद्र प्रसाद, रामचंद्र विश्वकर्मा, अरुण बिहारी, शीला देवी, अमरावती देवी, कंचन देवी, गीता देवी, अर्चना कुमारी देवी, सुधीर प्रसाद, सुरेंद्र जायसवाल, भगवान महतो, नंदकिशोर प्रसाद, पीयूष चौबे, शुभम चौबे, सुशांत शुक्ल, सत्येंद्र कुमार, मनदीप प्रसाद, डॉक्टर अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। योग का बहुत बड़ा भारत जैसे देश में बहुत महत्व है और इस महत्व को आज पूरी दुनिया जान चुकी है, क्योंकि हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसे 12 से आज मैं स्वयं 14 सालों से इनके साथ काम कर रहा हूँ। स्वामी जी 30 सालों से पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठापित किया योग की महत्ता को, एक विशेष जगह से उठा करके और गांव-गांव तक इसे पहुंचाने का काम किया है योग। और योग यह एक पृथ्वी से जुड़ा हुआ, जलवायु से जुड़ा हुआ, वातावरण से जुड़ा हुआ, नेचर प्रकृति से जुड़ा हुआ, और वह प्रकृति आदमी के प्रवृत्ति और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसको यह योग समेकित रूप में इंटीग्रेटेड प्लान जो मानवता के लिए होता है ज्ञान आया और उसे आदरणीय मोदी जी ने इसे सार्वभौमिक रूप से पूरे दुनिया में एक प्रसारण कराया। यह एक बहुत बड़ी बात हर इंसान के लिए और उसको एक प्रोटोकॉल के तहत जैसे कि सभी प्रकार के लोग इस योग को कर सके और उस योग से पूरी दुनिया छोटे छोटे कामों कर यह ना कर सके कि हम नहीं कर पाए, ऐसे में एक बहुत बड़ी एक मोदी जी का और भारत सरकार का एक उपलब्धि। और उस उपलब्धि में हमारे नेहरू युवा केंद्र के पीयूष कुमार चौबे जी, आप स्वयं एक स्वयंसेवी हैं जो गांव-गांव जाकर के और इस प्रकार का जो कार्यक्रम करते रहते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। यह आपके लिए उपलब्धि है, सभी आम पब्लिक के लिए उपलब्धि है। और जब सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम की भाईचारा के साथ यह भारत सरकार का योजना, पतंजलि योग पीठ का योजना, नेहरू युवा केंद्र और तमाम सभी हमारे जो संगठन है या भारत के सामाजिक संगठन, सभी का हृदय से धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।